सब लोग मतलब क्योंकि लॉकडाउन में थे, अपने अपने घरों में थे, तो त्यौहार इस तरह के त्यौहार को मनाने का मौका नहीं मिल रहा था सबको। बट ऑफकोर्स अब हम उस दौर से गुजरे हैं और गुजर भी रहे हैं, बट विथ मच मोर फ्रीडम। तो एक एक रिलीफ सा महसूस होता है कि आप अपने दोस्तों के घर जा सकते हो और इन त्योहारों में आप यू नो पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप इन्जॉय कर सकते हो, एक दूसरे के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हो। और मतलब और इतने सारे त्यौहार हैं हमारे देश में कि हमें गर्व है और अच्छा भी लगता है कि एक दूसरे के साथ उसे सेलिब्रेट करना। सो इट्स अ गुड फीलिंग टू बी सेलिब्रेटिंग दिस, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये कभी इस तरह की महामारी कभी वापस ना आए और हमारी आज़ादी जो है हमसे यू नो छीनी न जाए। तुषार जी, आपकी और आफ्ताब की जो है, करेक्ट है, अब तुषार अंदर है, मैं उनको बाहर बुला लेता हूँ। आप दोनों की फ्रेंडशिप की बात की जाए तो काफ़ी सालों से चलती आ रही है, आज आप यहाँ पे आए हैं जी, तो मतलब क्या कहेंगे उसके बारे में आप? और आज नहीं, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जब उनके घर में तो हमेशा गणेश वो सेलिब्रेट करते हैं, गणेश चतुर्थी और दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, तो जब भी मैं हूँ बॉम्बे में, अगर मैं बाहर नहीं हूँ या शूटिंग नहीं कर रहा तो मैं ज़रूर आता हूँ, उनके साथ मनाता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारा रिलेशन फैमिली की तरह है। तो जाहिर सी बात है कि आज इस शुभ अवसर पर हम लोग एक साथ में बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, मोदक खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, जिम की ना परवाह करते हुए सब खा रहे हैं। पापा जब भी आते हैं हम बोलते हैं कि सभी विघ्न को दूर करते हैं, क्या-क्या आपने विशेष मांगी है? मैंने यही यही मांगा कि कभी भी हमारी आज़ादी ना छीनी जाए और सब लोग खुश रहें, सब लोग हेल्दी रहें, किसी को ये डिज़ीज़ ना हो, सब लोग खुश रहें, सब लोग प्यार मोहब्बत में रहें, शांति से रहें। आई थिंक दैट इज़ व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यू नो हम लोगों का मनोरंजन करते रहें, एंड यू नो लाइफ शुड बी नॉर्मल, यू शुड इन्जॉय, एक ही लाइफ है, उसे जीना चाहिए, उसे इन्जॉय करना चाहिए, ना कि हर वक्त यू नो नेगेटिविटी और सारी चीज़ों में यू नो हमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए सबके लिए, और यू नो जस्ट प्रे दैट एवरीवन इज़ हैप्पी, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाइक जब भी गणेश चतुर्थी आता है हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, तो क्या कुछ आपके लिए स्पेशल होता है गणेश चतुर्थी में जब भी सुनते हैं? आई थिंक वो इतना स्पेशल ओकेजन है, गणेश जी इतने स्पेशल भगवान हैं कि वो उनके अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, तो यही एक महसूस होता है कि जो हमारे ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटीज़ हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स हो, जो भी कठिनाइयाँ हो, जो भी हर्डल्स हो, उसे वो मुक्त करे और यू नो उसका विनाश करे, और ही गिव्स अस अ नाइस पीसफुल हैप्पी लाइफ, दैट्स द ओनली थिंग। कुछ अभी चालू डेवलपमेंट में है, नवंबर से शुरू होने वाला है, उसके बारे में मैं बात करूँगा जब सारी चीज़ें रेडी हो। तो नथिंग, गणपति बापा मोरिया, इन्जॉय, सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल रिस्पॉन्सिबली विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स, इन्जॉय योर लाइफ, मेंटेन अ हेल्दी डाइट एट द सेम टाइम, बट दिस इज अ गुड ओकेजन टू ईट स्वीट्स एंड इन्जॉय योरसेल्फ एंड सेलिब्रेट विद योर फैमिली एंड लव्ड वंस। थैंक यू।